हर हर महादेव, हरिओम नमः शिवाय। आज हम सूरत में अटल आश्रम में हैं महंत श्री बटुक गिरी जी महाराज के साथ, जो 50 साल से साधना में हैं, और आज हम उनको भी यहाँ पर हीली का ट्रीटमेंट दे रहे हैं और वो भी हीली यूज़ कर रहे हैं। तो वो यहाँ हमारे साथ शेयर करेंगे कि क्या उनके एक्सपीरियंस हैं हीली के बारे में। उससे पहले मैं इस जगह का आपको इम्पोर्टेंस बता दूँ, तो ये लगभग 50-60 साल हो गए इस आश्रम को यहाँ सूरत में बने हुए, और महंत जी ने अपने खुद के हाथों से यहाँ पर पारे यानी मरकुरी का शिवलिंग बनाया है, जो टोटल 2,551 केजी का है। उतना ही ऊपर जो दिखता है 1,751 केजी, उतना ही नीचे है, जो एशिया में सबसे बड़ा शिवलिंग है। और ऐसा नहीं कि वो सिर्फ शिवलिंग है, वो एक जागृत शिवलिंग है। और बहुत ही जो हम कहें महान व्यक्ति जो हमारे भारत के इंडिया के हैं, हम मोदी जी ले सकते हैं हम, और जो CM हैं यहाँ के उनको ले सकते हैं, और भी बहुत सारे महान हस्तियाँ बापूजी का आशीर्वाद लेने आती हैं यहाँ। और हमारा और हीली के इस पूरे हमारे ग्रुप का भी ये सौभाग्य है कि हम महान जी के साथ कनेक्ट हुए। वो 10 दिन से यहाँ हीली को यूज़ कर रहे हैं। मैंने हीली को पहले यूज़ किया और मुझे बहुत ही मिरेकल चेंजेस मेरे अंदर नज़र आए। मैं वैसे तो हीलिंग के फील्ड में ही हूँ, लेकिन इसके बावजूद समटाइम जब हम हीलिंग करते हैं तो किसी ना किसी की नेगेटिविटी हमसे अटैच होती है, तो उसकी वजह से काफ़ी टाइम थकान लगती थी और कुछ कुछ नेगेटिव भी लगता था। लेकिन जब से हीली लेना स्टार्ट किया है तब से मुझे बहुत एनर्जेटिक लगता है। होल डे मैं काफ़ी लोगों से बात कर पाती हूँ, कनेक्ट रह पाती हूँ, और उनको भी हीलिंग्स दे पाती हूँ। थ्रू हीलिंग भी मैं हीलिंग के से भी मैं डिस्टेंस में हीलिंग देती हूँ और मेरी मॉडलिटी से भी देती हूँ। और अब हम जानते हैं कि बापू को इसका कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है 10 दिन से जब वो इसकी सारवार ले रहे हैं, इसका ट्रीटमेंट ले रहे हैं। जी बापू जी, मैंने आपके मार्गदर्शन के अनुसार लिया, और पहले तो मुझे शुगर भी था, प्रेशर, हार्ट का भी प्रॉब्लम, इसी हेतु से मैंने कहा कि अब दवाई खाने से अच्छा है कि इनकी सारवार लेकर देखी। लेकिन 8-10 दिन के लिए मैंने 4-5 दिन पर मेरी दवाई सब बंद है। फिर आज मैंने खाली शुगर की ऐसे खाली लिया, बाकी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और खाना फिर नींद आना, भूख भी लगना, और थोड़ा फ्रेश होना, रिलैक्स, तो ये सब माही तो मुझे अभी अच्छा लग रहा है। पहले जो लाइन गोल्डन साइकिल जो कहते हैं वो पूरी मैंने एक डेढ़ बार दो बार किया, बहुत अच्छा किया, और आपको उससे बहुत एनर्जेटिक लग रहा है और नींद भी आपको अच्छी आ रही है। नींद भी आने लगी, भूख भी लगी, फिर एक दिन तो दो दिन मुझे भूख नहीं लगी, तो मुझे लगा कि भाई क्या हुआ, तो फिर 1-1.5 किलो मेरा वजन कम हुआ। अभी 2-4 दिन से फिर भूख लगने लगी, नींद भी आने लगी, तो फालतू नेगेटिव जो विचारों में आता है इंसान को, तो उनके लिए भी ये एक्टिव है, और उनमें क्या सिस्टम है वो मैं नहीं जानता, लेकिन ऐसे नॉर्मल मामूली से करंट जैसा महसूस होता है। ये बॉडी को जो एक्टिव सेल है उसको एक्टिव करके चार्ज करके ये बॉडी को तंदुरुस्त करती है। जैसे बापू आपने मरकरी के बारे में बताया था, वो साइंटिफिकली लोगों की बॉडी में किस तरह से एज अ मेडिसिन काम करता है, इसी तरह ये डिवाइस के अंदर भी हम कह सकते हैं कि जो हमारा वैदिक नॉलेज था, पुराने ग्रंथों का जो नॉलेज था, उसका पूरा एसेंस है बापू। हाँ, इनके अंदर विज्ञान भी है और महापुरुषों का आशीर्वाद, और विज्ञान के साथ आज का युग जो टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर युग जो आज नुकसान करता है, जितना इतना मैं बचने के लिए ये सब चीज जरूरी है जी। आज इंसान 1-2 लाख रुपए के सामने देखेगा, और 10 लाख रुपए जब किडनी में खराब होगा और कुछ समय 10 लाख देना होगा तो उसको अस्तमुख से देगा जी। लेकिन ये 2 लाख रुपया लगता है कि 2,10,000-20,000 जो भी है, लेकिन वो अपनी हेल्थी के लिए और दूसरों के लिए भी काम, दवाई खाना ही बंद करवा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर का विरोध हम करते हैं, दवाई का विरोध करते हैं, लेकिन अपनी बॉडी को चार्ज रखता है, प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, मस्त है जी, दी बेस्ट है जी।